राजस्थान राज्य का झुंझुनू जिला और सुल्ताना कस्बा, ये वो जगह है जहाँ पर स्थापित है गोपीनाथ जी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि आप पूरी रात इस मंदिर में नहीं रुक सकते, और यदि आप रुकना भी चाहें तो आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको इस मंदिर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। और मंदिर के पुजारी और गाँव के बुजुर्ग लोग इस घटना के पीछे ये बताते हैं कि इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है। कुछ स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि ये मंदिर तकरीबन 250 साल पुराना है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। कुछ किंवदंतियों से हमें ये भी पता चलता है कि इस मंदिर में ध्यानदास जी नामक एक संत रहते थे जिनकी गोपीनाथ जी की प्रतिमा से स्वयं बातें होती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय उन्होंने हाथी सिंह नामक राजा के बेटे को सिर्फ हाथ फेर के जिंदा कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया तो उन्होंने कहा कि सब गोपीनाथ जी की कृपा से हुआ है। कुछ ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।